close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all. So hello दोस्तों, हम आपके लिए लेके आ गए हैं न्यू वीडियो जिसमें हम बात करने वाले हैं Realme Pad 2 के बारे में, और इसमें आपको बताया जाएगा Realme Pad 2 के बारे में, इसकी डिटेल्स और रिव्यू देंगे हम पूरा। तो इसमें आपको बात कर लेते हैं हम इसके फीचर्स के बारे में। सबसे पहले तो इसमें बॉक्स में जो लिखा हुआ है वो पढ़ लेते हैं। इसमें आपको मिल जाएगा 11.5 इंच की डिस्प्ले, आपको अच्छे से रोटेट करके दिखाता हूँ। 8360mAh की बैटरी है और 33 वॉट का चार्जर मिलेगा आपको इसमें। डॉल्बी स्पीकर है और इसमें प्रोसेसर आपको मिल जाएगा हीलियो G99, और इसका MRP पड़ता है 25,000 का। ये वर्जन है 6GB 128GB वाला रैम रोम के साथ। और फिर आगे बढ़ते हैं, आगे चलते हैं इस बॉक्स में, मतलब ओपनिंग करते हैं इसको, देखते हैं क्या है। तो इसमें आपको मिल जाता है यहाँ पे कवर के अंदर टैब आपका, इसको ओपन कर लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। इसमें आपको दिख जाएगा ये पूरा कवर के अंदर पूरा पड़ा हुआ है, इसको हम अभी ओपन करके आपको दिखाएंगे। तो आपको यहाँ पे दिख जाएगा, इसको पहले साइड में रखते हैं, इसमें बॉक्स में क्या है उसको पहले देखते हैं। इसमें पहले बॉक्स में आपको चार्जर केबल मिल जाता है और टाइप सी का केबल है इसमें, और साथ ही आपको देखने को मिल जाएगा यहाँ पे सिम की जो पिन होती है वो इंजेक्टर पिन जो होती है वो आपको मिल जाएगी यहाँ पे, और किसी टैब में आपको ये देखने को नहीं मिलेगा। बाकी इसमें आपको पिन मिल जाती है, और इसमें एक आपको Realme Pad 2 के जो बुक है वो मिलेगी छोटी सी, इसमें वारंटी कार्ड होता है और जो कि इसमें पीछे आपको डिटेल्स वगैरह भरने को मिलती हैं। बढ़िया, कोई काम का नहीं है, आप इसको बस साइड में ऐसे ही रख सकते हैं, कोई काम का नहीं है। ओके, फिर आपको इसमें देखने को मिलेगा ये चार्जर और जो 33 वॉट का है सुपर बुक का, और इसमें टाइप सी का केबल है। तो अब हम इसमें आगे बढ़ते हैं, तो आपको 33 वॉट का यहाँ पे देखने को मिल जाएगा चार्जर, और बाकी इस बॉक्स में आपको कुछ नहीं मिलेगा, तो इसको हम साइड में रखते हैं। और अब बारी हो गई है हमारी टैबलेट की, तो टैबलेट की ओपनिंग करते हैं और इसके बारे में जानते हैं थोड़ा। तो अभी ये हमारा बाहर आ चुका है, काफ़ी ग्लॉसी है, मैटलिक बॉडी है इसकी, और आपको काफ़ी स्लिम देखने को मिलेगा इसका कैमरा, और इसकी जो ये बॉडी है बहुत ही अच्छी है, बैजिंग रियलमी की आपको देखने को मिल जाएगी, और साइड में आप इसकी स्लिमनेस देख सकते हैं आप, काफ़ी अच्छा है। और ये बॉडी पूरी आपको, इसमें डॉल्बी स्पीकर है, दोनों साइड में आपको 4 स्पीकर मिल जाएंगे, और 8MP का कैमरा है रेयर और फ्रंट दोनों। और आपको मैं इसको ओपन करके इसका जेस्चर दिखा देता हूँ, काफ़ी कोई भी जेस्चर नहीं मिलेगा यहाँ पे आपको, बहुत ही स्मूथ है, और आप देख सकते हैं पूरी वीडियो में पूरा स्मूथली चल रहा है, और G99 का प्रोसेसर है तो काफ़ी अच्छा चल रहा है। फिर आगे बढ़ते हैं, आपको हम इसकी स्क्रीन रिकॉर्ड करके इसके सारे अबाउट डिवाइस में आपको सब कुछ दिखा देते हैं। यहाँ पे 6GB की रैम है, और इस जिसको आप एक्सटेंड भी कर सकते हैं एक्स्ट्रा भी, 12GB तक रैम को बढ़ा सकते हैं, और 5 और 8MP रेयर और फ्रंट कैमरे हैं, और 8360mAh की बैटरी आपको यहाँ मिल जाएगी, और 8.5 इंच की आपको डिस्प्ले, और स्टोरेज आपकी 128। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं, इसको मैं आपको थोड़ा सा इसके प्रोसेसर की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे एंड्रॉयड आपको 13 मिल जाएगा, और इसमें हम आपको एक गेम प्ले करके थोड़ा दिखा देते हैं कि कैसा दिखता है इसमें, गेम कैसा चलता है। थोड़ा सा इसको हम फास्ट में करेंगे, फिर आगे बढ़ के देखते हैं। तो ये क्रैफ्टॉन अभी स्टार्ट हो रहा है, BGMI हम इसमें खेल के आपको दिखाएंगे। ये इसकी बैटरी, और बैटरी आपने देखी अभी कि इसकी 80% है, और 80 से कितनी होती है ये आपको दिखाता हूँ मैं, वीडियो आप पीछे करके देख लेंगे, बैटरी आपको 80% दिख जाएगी। सो अभी ये डाउनलोड हो रहा है, यहाँ पे थोड़ा सा मैं फास्ट करूँगा डाउनलोडिंग। अभी नया अपडेट आया था तभी मैंने इसको अपडेट किया है, अभी अपडेट नहीं किया था, साथ में ही कर रहा हूँ, तो आपको ये पूरी वीडियो में दिख जाएगा। हाई रिसोर्सेस में आप डाउनलोड कर सकते हैं, और इसके मैं सेंसिटिविटी और सेटिंग के बारे में भी आपको दिखा दूंगा, कौन सी सेटिंग इसमें मतलब यूज़ करता हूं मैं, कहां तक ये सपोर्ट कर सकता है। इसमें स्मूथ में हम अल्ट्रा यूज़ करते हैं,
तो अभी हम आपको एक गेम प्ले करके दिखा देते हैं, यहाँ पे नया वाला जो थीम आया है इसमें, उसके बारे में। क्रिमसन कैसल और टीडीएम मैच भी आपको एक दिखाया जाएगा। सबसे बेस्ट आपको टीडीएम मैच में दिखेगी वीडियो। अब ये नया आया मोड, तो इसमें भी यूज़ करने में थोड़ा सा वो है, डिफिकल्ट है। बाकी आपको हम नया टीडीएम मैच में ही दिखाएंगे सारा गेम प्ले, कैसा इसमें बीजीएमआई चलता है। सो आप देख सकते हैं काफ़ी स्मूथली इसमें चल रहा है, और ये थोड़ा भी लैग आपको देखने को नहीं मिलेगा। जितने मेरे किल हैं उसके हिसाब से आपके, तो मतलब अगर गेम प्ले अच्छा रहेगा तो बहुत अच्छा भी खेल सकते हैं इसमें। और काफ़ी बड़ी डिस्प्ले है, तो आपकी क्लोज रेंज की फाइट इसमें बहुत अच्छी चलती है। और भी आपको देखने को मिल जाएगा यहाँ पे काफ़ी, कोई बंदे यहाँ पे मतलब सामने जो आते हैं उनको आप इजीली मार सकते हैं, और कोई भी लैग आपको देखने को नहीं मिलेगा इस वीडियो में थोड़ा भी। सो हम आगे बढ़ते हैं धीरे से और देखते हैं पूरी वीडियो को, और कितने किल्स आते हैं आप देखेंगे पूरा हम। तो यहाँ पे हम आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा गेम चल रहा है। और ये मेरे पड़ी, आप लोगों के खेलेंगे इसमें, इसमें बीजीएमआई अगर खेलते हैं तो बहुत ही स्मूथ चलता है, और बिना हीटिंग के, कोई हीट नहीं होता। आप लोग दो चार गेम आराम से खेल सकते हो, तब भी आपको थोड़ा सा भी हीट नहीं देखने को मिलेगा। उसके बाद अगर आप थोड़ा सा और मतलब दो घंटे के बाद अगर यूज़ करोगे, तब आपको थोड़ी बहुत हीट आपको देखने को मिल सकती है, तब तक आपको कोई हीटिंग नहीं दिखेगी यहाँ पे। तो फिर हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा और किल्स हम निकाल लें उसके बाद। ये आ गया किल, और हमारे हो गए हैं टोटल 6 किल्स हो गए हैं, और भी अपने किल करने हैं। यहाँ पे एक और आया, 7th किल आ गया। फिर हम आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, और आपको पूरा ये गेम, पूरा टीडीएम मैच हम दिखाएंगे बिना लैग के। इसमें हम खेल रहे हैं, और इसमें अगर लैग होता तो हम इतने किल कर नहीं पाते, इसलिए ये काफ़ी अच्छा चल रहा है। और अभी अभी तो मैं मतलब उतना प्रो नहीं हूँ, फिर भी आप देख सकते हैं काफ़ी किल्स मिल रहे हैं, मतलब टैब बहुत अच्छा है, इसलिए काफ़ी स्मूथली चल रहा है। इसमें बैकग्राउंड म्यूज़िक वैसे वो ऑडियो रहनी चाहिए थी। यहाँ पे 33:23 का रेशियो चल रहा है जब। ये सामने पड़ा, सामने कोई भी आएगा तो वो चला ही जाएगा, सामने कोई भी आ रहा है ये ऐसे ही पड़ेगी, क्योंकि इसमें बस दूर के लिए थोड़ा सा कंट्रोल वो होता है, सामने जो पड़ता है उतना बड़ा दिखता ही है कि आसानी से मारा जा सके, फिर कोई दिक्कत ही नहीं होगी। और 39 किल्स हो चुके हैं, और लास्ट किल शायद मुझे मिल जाए, 20, ये मिल गया। 13 किल्स हो गए टोटल और हम जीत चुके हैं गेम। तो आप देख सकते हैं हम काफ़ी इसमें अच्छे से खेल सकते हैं, बीजीएमआई भी, और बीजीएमआई अगर चल जाता है तो वो टैब बहुत ही स्मार्ट है, मतलब बहुत ही परफेक्ट है आपको खेलने के लिए। सो आप आगे बढ़ते हैं और इसके बारे में कुछ और बातें कर लेते हैं कि आप इसमें क्या यूज़ कर सकते हैं, और क्या इसके अदर मतलब इसके हम कवर के बारे में भी आपको बता देंगे, इसमें कौन सा कवर आप यूज़ कर सकते हैं। ये हमने स्क्रीन रिकॉर्डिंग की थी आपको दिखाने के लिए गेम, और इसमें आपको यहाँ पे नोट्स मिल जाएंगे, उसमें आप मतलब पूरा पेन यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि बहुत ही इजीली बहुत अच्छे से चलता है ये। यहाँ प्लीज़ आप लोग अभी तक वीडियो ने देखा होगा तो प्लीज़ लाइक भी करिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा एक बार, अपने दोस्तों को भी शेयर करना, ठीक है, मत भूलना भाई। ओके, तो आगे बढ़ते हैं हम इसके कवर के बारे में बात कर लेते हैं, आपको कवर इसका दिखा देते हैं। ये फ्लिप कवर होता है, आपको यहाँ पे मार्केट में आपको 4.5 और 600 तक आपको मिल जाएगा, और उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे इसमें टैब इजली आसानी से मतलब पूरा रखा जा चुका है, और इसको स्टैंड भी कर सकते हैं आप, 3 फोल्ड कवर होता है ये, और इसमें बहुत ही आसानी से आप यूज़ भी कर सकते हैं इस फोल्ड मतलब कवर को। और हम इसमें एक आपको एक्स्ट्रा चीज़ दिखाने वाले हैं, इसके जो पेन होती है, इसमें पेन जो यूज़ करते हैं हम, अगर पेन अगर आपको यूज़ करनी है तो आप पढ़ाने के लिए पीडीएफ वगैरह पे यूज़ कर सकते हैं इस पेन को। ये फ्लिपकार्ट की स्टाइलस पेन है, और ये आपको मार्केट में मतलब फ्लिपकार्ट ऑनलाइन मिल जाएगी, आपको 300 तक आपको ये ऑनलाइन मिल जाएगी, ठीक है। ये पेन जो है
ये स्टाइलस है, फ्लिपकार्ट स्टाइलस, आप इसको सर्च करेंगे, टच पेन जो होती है टैब की, तो आपको आसानी से ये देखने को मिल जाएगा। मैं इसको आपको यूज़ करके दिखा देता हूँ पूरा। बहुत ही अच्छे से लिखती है ये पेन, और आप इसमें यूज़ भी कर सकते हैं। रियलमी पैड टू मैंने लिखा, ये कितना मतलब क्लियर लिखा हुआ है। आप इसको बहुत अच्छे से PDF वगैरह पढ़ाने के लिए, इरेज करने के लिए बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये बेस्ट पेन होगी आपको, मतलब 7-8 हज़ार की पेन नहीं लेनी है आपको, ये 300 तक काम हो जाएगा इसमें। ठीक है, ये आपको दिखा दिया मैंने, फ्लिपकार्ट स्मार्ट बाय की पेन है ये, स्टाइलस, आप इसको सर्च करेंगे आपको मिल जाएगी। ठीक है, सो अब हम यहाँ पहुँच चुके हैं, पूरी वीडियो एंड होने वाली है। प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा अपने दोस्तों में। ये मैंने पूरा आपको कवर दिखा दिया, और लास्ट में मैं पूरा आपको एक बार और अपने रियलमी पैड 2 के बारे में पूरा अच्छे से क्लियरली दिखा देता हूँ, पूरी बैजिंग के साथ। पूरा कैमरा बहुत हार्ड है और ग्लॉसी फिनिश है इसकी, और आपको बहुत ही अच्छा मतलब ये टैब मिल जाएगा। थैंक यू गाइस।